जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम अक्टूबर में शेड्यूल था, लेकिन उसकी अभी तक कोई आरपीएससी ने अब डेट अनाउंस नहीं की है। तो सभी अभ्यर्थी असमंजस में है कि क्या एग्ज़ाम हो रहा है अक्टूबर में या नहीं हो रहा है। अगर अक्टूबर में नहीं हो रहा है तो एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो इसी बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम अक्टूबर में शेड्यूल था, लेकिन अक्टूबर में अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने भी कुछ जो वैकेंसीज है उनकी एग्ज़ाम डेट रखी हुई थी। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने, आपने न्यूज़ में देखा ही होगा, 47-48 सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर दिया था, और उनका रीज़न ही यही था अप्लाई करने का मल्टीपल सब्जेक्ट में, ताकि वो चाहते ही नहीं थे कि एग्ज़ाम अक्टूबर में हो जाए, क्योंकि अगर वो मल्टीपल सब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं तो आरपीएससी उन सब्जेक्ट्स का सेम डे एग्ज़ाम नहीं ले सकती। तो उन्होंने ये सोच करके कि आरपीएससी एग्ज़ाम टाइम पे ना करवा पाए और वो एग्ज़ाम पोस्टपोन करवाने में सफल हो जाए, उन्होंने ये सारी जो चीज़ें की है, इसकी वजह से जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान एक तरीके से हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम अब कहीं ना कहीं आगे जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अक्टूबर में एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है उसकी अभी तक डेट आई नहीं है। तो अक्टूबर में एग्ज़ाम होने की जीरो पॉसिबिलिटी है, अक्टूबर में एग्ज़ाम अब नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम अगर अक्टूबर में नहीं हो रहा तो कब तक हो सकता है। तो इसमें राजस्थान में नवंबर एंड में इलेक्शन होंगे, नवंबर एंड में, दिसंबर फर्स्ट वीक में, तो उसको लेकर के चुनाव आयोग जो भी है उस जो शेड्यूल है अनाउंस करेगा, और जिस दिन चुनाव आयोग राजस्थान में जो चुनाव है उनकी घोषणा करेगा उस दिन बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगी। उसका तात्पर्य यही है कि आचार संहिता लगने के बाद राजस्थान में कोई भी नई भर्ती की घोषणा नहीं हो सकती, यानी आचार संहिता लगने से पहले आरपीएससी के पास जितनी भी भर्तियों के और अभ्यर्थनाएं पहुंच जाएगी और आरपीएससी उनके नोटिफिकेशन निकाल देगी, और आचार संहिता लगने के बाद कोई भर्ती आरपीएससी नहीं निकालेगी। तो उससे यह होगा कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में, 1 अक्टूबर को जैसा कि आप सभी जानते हैं आरएएस का एग्ज़ाम हो जाएगा प्रीलिम्स का, और फर्स्ट वीक तक मोस्ट प्रोबेबली ये है कि चुनाव आयोग भी चुनावों की घोषणा कर देगा। तो तब तक आरपीएससी को पता चल जाएगा कि हमारे पास ये वैकेंसी आई हुई है और ये एग्ज़ाम हमें करवाने हैं। तो उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आरपीएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर हमें देखने को मिल जाए, जिसमें एक जो संभावित महीने का उल्लेख उसमें हो सकता है कि इस महीने में ये एग्ज़ाम करवाए जा सकते हैं। जैसा कि पहले भी हमने देखा है, एग्ज़ाम डेट एग्जैक्ट डेट ना होकर के महीने का उल्लेख आरपीएससी उसमें कर दे, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। और अगर हम मोटे तौर पर संभावना देखें असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होने की, तो इसमें दो संभावनाएं बनती है। पहली संभावना तो इसमें यह है कि आरपीएससी जीके का पेपर अभी करवा ले, अभी का मतलब है कि अक्टूबर एंड में या नवंबर फर्स्ट वीक में, और जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है वो इलेक्शन के बाद जनवरी फरवरी में करवा ले। ऐसा जो 2016 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें सेम हुआ था, जो जीके का पेपर था और जो सब्जेक्ट के पेपर थे उनके बीच में 2-3 महीनों का गैप था, तो ऐसा आरपीएससी बिल्कुल करवा सकती है अगर आरपीएससी चाहती है तो। और इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी और बनती है कि एग्ज़ाम ही जो राजस्थान के विधानसभा चुनाव हो उसके बाद हो, तो उसमें संभावना हमारी देखने को मिलती है या तो फरवरी में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो सकता है या फिर जून में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि मार्च जो अप्रैल मई में है लोकसभा चुनाव पूरे देश में होंगे, तो उसमें संभावना कम बनती है जो एग्ज़ाम होने की, तो या तो फरवरी में हो जाएगा या उसके बाद जून में जो नेट का एग्ज़ाम है उसके बाद आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम हमें देखने को मिल सकता है। और ये केवल मेरा एक अनुमान है, और जो भी होगा उम्मीद हम ये करते हैं कि अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आरपीएससी अपना एग्ज़ाम शेड्यूल रिलीज़ कर ले, ताकि जो भी अभ्यर्थी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो सही तरीके से उन्हें समझ में आ जाए कि हमें आरएएस की तैयारी करनी है या हमें असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अगर एग्ज़ाम डेट उनके सामने होगी तो उनको सहायता मिलेगी कि उन्हें कौन से एग्ज़ाम को पर फोकस करना है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहें और अपने लक्ष्य पर फोकस रहें। धन्यवाद।